कर्म को आमतौर पर चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है प्रारब्ध कर्म, दूसरा है संचित कर्म। आपको टाट की बोरी पता है? बोरी? हाँ, टाट की बोरी। तो प्रारब्ध एक जीवन काल के लिए दिया गया कर्म है। यह प्रारब्ध आपकी उम्र तय करेगा। अगर मैं आज आपका प्रारब्ध विसर्जित कर दूं तो आप कल सुबह मर सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हों, लेकिन आप कल सुबह मर जाएंगे क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर मिट चुका है। इस शरीर के लिए ये बचा ही नहीं है। अचानक आप शायद आप स्थिर हो जाएं, थोड़ी देर के लिए एक बिल्कुल सुंदर अवस्था में रहें और तो हम प्रारब्ध को कभी नहीं छुएंगे, हम संचित को छूते हैं। ये कर्म का वो भंडार है जो इस जीवन काल, जो इस जीवन में कोई भूमिका नहीं निभाता। इस जीवन में ये कभी जाहिर नहीं होता, ये इस जीवन के लिए नहीं है, लेकिन ये आपको ठोसपन देता है। तो अगर हम संचित कर्म को विसर्जित कर दें, ये एक विशाल भंडार है, ये कोई साधारण भंडार नहीं, एक बड़ा जटिल भंडार है। अगर ये विसर्जित होना शुरू हो जाए तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बदला है, लेकिन ये एक तरह की पारदर्शिता है, आपके अस्तित्व की ठोस प्रकृति कम हो गई है। लेकिन आप में कोई रूपांतरण नहीं हुआ है, हर चीज वैसी ही है, आप बिल्कुल वही व्यक्ति हैं। आपको हैरानी होती है कि यह सब क्या हो रहा है, क्या यह वाकई आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्या यह सब बस एक सपना है। आप अब भी वही हैं, आपकी समस्याएं वही हैं, आपकी हर चीज वैसी ही है, लेकिन शरीर में थोड़ी सी पारदर्शिता का एक भाव है। शरीर को थोड़ा, जैसे कि उसमें थोड़े छेद हो गए हैं। आप छलनी की तरह महसूस करने लगते हैं, एक ठोस चीज नहीं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि यह एक विशाल भंडार है। मैं इसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो आप एक नतीजे की उम्मीद करते हैं, और आप में से कई लोग नतीजा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा पैदा करने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप नतीजा पैदा करेंगे तो यह फर्जी होगा और वो टिकने वाला नहीं है। देखिए, कोई आपको बताता है प्रेममय बनिए, 3 दिन आप प्रेममय होने का नाटक करते हैं और आपकी सारी हताशा इकट्ठी होती जाती है। हर किसी को आपका प्रेम अजीब लगता है, आपकी कुंठाएं बढ़ जाती हैं, और ऐसे एक दिन आप पटाखे की तरह फट पड़ेंगे। क्या ऐसा नहीं हुआ है? एक बहुत प्रेममय दौर के बाद क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्योंकि आप जो हैं उसके आधार को बदले बिना आप कुछ दूसरा होने की कोशिश कर रहे हैं। 98% of your mind is unconscious. That is sanchit. आपका 98% मन अचेतन है, वही संचित कर्म है। ये कभी सामने नहीं आता लेकिन हमेशा मौजूद होता है और हर चीज को प्रभावित करता है। तो हम कोई तत्काल रूपांतरण नहीं चाह रहे हैं कि कल आप खून से रिश्ते, दिल या वैसी किसी चीज के साथ बाहर जाएं, हम ये नहीं चाहते। बात बस इतनी है कि भीतरी चीजें धीरे धीरे दूर कर दी जाती हैं। बाहरी परत के साथ आप खेल खेलिए, कौन सी बड़ी बात है? आपने देखा है कभी कभी दीमक अंदर से खा जाती है, बस पेंट की परत ही बचती है, आप जाकर उसे छुएं। तो इरादा आपको वैसा बनाने का है, पेंट की सिर्फ एक परत ही बचनी है, अंदर से पूरा जा चुका है। कभी कभी जब अंत आने वाला होता है, अगर आप छू कर देखते हैं बुचुक, अंदर कोई माल नहीं बचा है, यह चलेगा? हर वो चीज जो एक इंसान देख सकता है मैं देख चुका हूं। जब आप कुछ खास सीमाएं पार कर जाते हैं और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं,
तो वहाँ अलग किस्म की ताकतें होती हैं जो आपको रोकने का प्रयास करेंगी। वो मेरा काम है। अगर आप मुझे मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं तो आप पछताएंगे। अगर आप मुझे एक संभावना के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। आशीर्वाद ना तो अच्छी चीज है ना ही बुरी चीज है। खास तौर पर जब ये मुझसे आता है तो ये इतने तरीकों से आता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपने वाकई खुद को एक पल के लिए भी दिया है तो मैं आपको पार लगा दूंगा, ये तय है।